लेकिन ऑक्सीजन ओएस पहले की तरह नहीं रहा है, इसमें ऐप सजेशन आता है। इतना अच्छा डिस्प्ले है लेकिन 4K वीडियो अटक अटक के चलता है भाई, देखने के लायक नहीं है। फाइनली भाई मेरे पास आ गया है OnePlus Nord C4। पिछले एक दिनों से भाई इस फोन को मैं लगातार यूज कर रहा हूँ, तो इस फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मुझे पता चल गया है। मैंने आपको जैसे वादा किया था, जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, तो चलिए फटाक से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है बॉक्स का फर्स्ट लुक, OnePlus की ब्रांडिंग है और साइड में है OnePlus Nord C4। तो इस काले डब्बे को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर है OnePlus का लोगो, बॉक्स के अंदर भी एक पतला सा बॉक्स है। इसके अंदर है स्माइली सिम इजेक्टर पिन, कुछ यूजर मैनुअल गाइड बुक्स, OnePlus का कुछ एक्स्ट्रा स्टिकर भी है और एक रेड क्लाफ की तरफ से कार्ड है। फोन का जो टीपीयू केस है उसका क्वालिटी मुझे जबरदस्त लगा है, कलर भी बढ़िया है। और ये है फोन, इसको साइड में रख देते हैं। इनबॉक्स आता है 100 वाट की एडाप्टर, भाई थोड़ा सा भारी है ये एडाप्टर। और टाइप A2 टाइप C का केबल भी है। ये है फोन का फर्स्ट लुक। हाँ भाई इसका डिजाइन सही रखा है भाई, यूनिक डिजाइन के साथ आता है। फोन का जो फ्रेम है ना वो पॉलीकार्बोनेट का है, इतना ज्यादा मोटा नहीं है। पीछे डुअल कैमरा सेटअप के साथ रिंग शेप में LED फ्लैशलाइट आता है और OnePlus का ब्रांडिंग है। इनहैंड फील्ड भी मुझे सही लगा है, वेट इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 186 ग्राम का आता है। और तो बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड रखा है, बैक पैनल पीछे से दबता नहीं है। इसमें IP54 का रेटिंग है और डिस्प्ले में तो पैंडा ग्लास का प्रोटेक्शन है। ओवरऑल इसका जो लुक्स है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इवन इसमें है बहुत ही बड़ा डिस्प्ले, 6.7 इंच फुल HD+ रेजुलेशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले का बेजल और चेन भी भाई बहुत ही छोटा रखा है, इसमें आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इसको आप आराम से आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज कर सकते हो। इवन आप यूट्यूब पर 4K में HDR वीडियो देख सकते हो। इतना अच्छा डिस्प्ले है लेकिन 4K वीडियो अटक अटक के चलता है भाई, देखने के लायक नहीं है। जब आप फुल HD में या 2K में स्विच करोगे, कलर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, वीडियो स्मूथ चलता है। ये बात तो सच है, HDR वीडियो देखने में ना मजा आता है। इवन इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर है, साउंड क्वालिटी भाई जबरदस्त आता है। लेकिन क्या फायदा है, इतना महंगा फोन है 4K वीडियो ढंग से चलता नहीं है। वेल इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी सही मिल जाता है, 7 बैंड्स 5G है, सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स का सपोर्ट है। डिफॉल्ट इसमें गूगल की डायलर आता है, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को डिसेबल करना चाहते हो तो आपको ओ डायलर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। डुअल माइक है जो नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसिलिंग कर लेता है। डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, इस फोन में आप SD कार्ड को यूज कर सकते हो। 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है लेकिन IR ब्लास्टर मिल जाता है। इस फोन को आप बहुत सारे डिवाइस के साथ कनेक्ट करके फोन को एज ए रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। इवन आप इस फोन में OTG को कनेक्ट भी कर पाओगे। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 में रन हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन OS 14 है। OnePlus वालों ने प्रॉमिस किया है इसमें 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी वॉच अपडेट देगा। लेकिन ऑक्सीजन OS पहले की तरह नहीं रहा है, इसमें ऐप सजेशन आता है। यहाँ पर आप देख लो ऐप ड्रॉयर में, मैं ऐप को सर्च कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐप का सजेशन आ रहा है। लेकिन ये बात तो सच है, OnePlus का जो UI होता है वो स्टेबल रहता है, इसमें बग्स बहुत ही कम मिलता है और ढेर सारी फीचर्स भी मिल जाता है। इसके सारी हिडन फीचर्स का वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल में आप विजिट कर सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस फोन में कुछ चीज अच्छा मिले या ना मिले, भाई परफॉर्मेंस तगड़ा मिलता है क्योंकि इसमें है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट। मेरे पास इसका बेस वेरिएंट है 4GB रैम, 128GB स्टोरेज जो आता है LPDDR4X RAM के साथ और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी है। सबसे पहले आप इसका अंतुदु स्कोर देख लो, 8 लाख+ अंतुदु स्कोर आता है, इसलिए तो ये फोन डे टू लाइफ यूज में हैंग नहीं करता है भाई, बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस मिलता है। अगर आप फोन को हेवी में यूज करते हो या आप सेम टाइम में मल्टीपल ऐप को यूज करते हो, भाई इसका परफॉर्मेंस तगड़ा मिल जाता है। ऐप ओपनिंग स्पीड भी मुझे सही लगा है, ऐप ओपन ऐप क्लोज में एनिमेशन भी मिल जाता है। इवन इसमें आप BGMI जैसा गेम HDR ग्राफिक में 60fps में खेल पाओगे, भाई जायरो बहुत ज्यादा स्मूथ है और HDR ग्राफिक में गेम खेल के भाई मजा आ गया, हीटिंग का इशू नहीं है। ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है भाई बहुत तगड़ा है। इवन इसमें 5500mAh की बैटरी है और इनबॉक्स आता है 100 वाट के एडेप्टर के साथ। मैं इसको और थोड़े दिन यूज कर लूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बता पाऊंगा इसका बैटरी बैकअप कैसा है। इस फोन का अगर आप फुल रिव्यू देखना चाहते हो कमेंट में बता सकते हो, जितना ज्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी भाई इसका रिव्यू आएगा। वेल इसके पीछे में है डुअल कैमरा सेटअप, प्राइमरी जो सेंसर है 50 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर है। इसमें OIS भी मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रावाइड सेंसर है। इसमें फालतू की सेंसर नहीं है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। भाई आप दोनों कैमरा से शानदार फोटो ले पाओगे, पहले आप सेल्फी कैमरा सैंपल देख लीजिए भाई,
मैंने हर एक लाइटिंग सिचुएशन में सेल्फी कैमरा से फोटो क्लिक करके देख लिया भाई, फोटो का क्लियरिटी बढ़िया आता है, स्किन टोन को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, इवन डायनामिक रेंज को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, डायरेक्ट सनलाइट में स्किन टोन की कलर को छेड़छाड़ नहीं करता है। बैक कैमरा से आप डे में बहुत ही अच्छा फोटो कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पर आप कलर देख लो यार, बहुत ही अच्छा आता है, स्किन टोन की कलर को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। इवन आप आर्टिफिशियल लाइट में भी शानदार फोटो क्लिक कर सकते हो भाई, सोनी का सेंसर है, फोटोग्राफी के लिए तो ये फोन मस्त होगा, फोटो में शार्पनेस अच्छा आता है और आप पोर्ट्रेट मोड में भी शानदार फोटो ले सकते हो। इवन आप इसके बैक कैमरा से फुल एचडी में 120 एफपीएस में स्लो मोशन में वीडियो कैप्चर कर सकते हो, वीडियो का क्वालिटी जबरदस्त आता है। और तो इसके बैक कैमरा से आप 4K में 30 एफपीएस में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, सेल्फी कैमरा से भी ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। वेल अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूशन के बारे में, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन में OnePlus Nord C4 कैसा लगा है भाई। इसकी प्राइस की तरफ देखा जाए बेस वेरिएंट को आप 25,000 रुपीस में खरीद सकते हो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फोन मुझे प्राइस के हिसाब से सही लगा है भाई, ओवरऑल इसका लुक्स भी बढ़िया है, डिस्प्ले का क्वालिटी भी जबरदस्त है, 4K वीडियो थोड़ा लैग करता है, बाकी इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा मिल जाता है, HDR ग्राफिक सेटिंग में आप स्मूथली BGM जैसा हाई ग्राफिक गेम आप खेल सकते हो, और तो इसकी कैमरा क्वालिटी भी जबरदस्त है। मुझे ये फोन फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही अच्छा लगा है। देखो भाई, नया फोन है, सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन थोड़े दिन यूज करने के बाद असलियत पता चलता है, तो बहुत ही जल्दी इसका रिव्यू आने वाला है। अब जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी दोस्तों इसका फुल रिव्यू आएगा, उस वीडियो में दोस्तों इसकी बैटरी बैकअप कैमरा सब कुछ मैं कवर करूंगा, इवन इसकी बैटरी डेंट टेस्ट बहुत ही जल्दी आ रहा है, क्योंकि कल आपको शायद मिल जाएगा इसका बैटरी डेंट टेस्ट। ये तो था OnePlus Nord C4 का अनबॉक्सिंग एंड छोटा सा रिव्यू, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं सारे फोन को खुद के पैसे से खरीद के एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू आपको हर वीडियो में मिलता रहेगा। हो सके तो ये वीडियो आपके रिश्तेदार और दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, उसको भी पता चलेगा ये OnePlus का फोन कैसा है।